उदयपुर के एक सामान्य से इलाके में अपनी छोटी सी दुकान पर सोने चांदी में कारीगरी का काम करने वाला ये शख्स है इकबाल सक्का। यह कोई साधारण कारीगर नहीं बल्कि सोने चांदी में बारीकी से काम करने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कुछ खास कर गुजरने की चाह लिए इकबाल ने सोने की इतनी छोटी कृतियां बनाई हैं कि उनका नाम एक बार गिनीज बुक और 3 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बारीकी का यह काम सीखने की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू हो गई। अपने पिता से सोने चांदी का पुश्तैनी काम सीखने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी जारी रखी। साथ में अखबारों में दुनिया के अजूबों की खबरें देख खुद को भी कुछ कर गुजरने का जुनून सवार हो गया। महज 600 मिलीग्राम वजनी सोने की चेन बनाई जिसके लिए 1991 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ गया। उनका हौसला बढ़ा तो और भी बारीकी से काम किया और महज 100 मिलीग्राम वजनी चेन बनाने के लिए 1993 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो गया। उनकी इस सफलता के पीछे 1975 में किया गया पहला प्रयास था जिसमें उन्होंने 1 ग्राम सोने की चेन बनाई थी जो काफी चर्चा में रही। हम ये सोने के जेवर बनाते हैं और मैं बचपन से ही करीब 6-7 साल का था तभी से ये काम मैं सीख रहा हूँ। जब हमारे पापा बैठा करते थे तो हम भी उनका ये काम देख के धीरे धीरे सीखते थे। सक्का ने और भी कई कृतियां बनाई हैं जिनके लिए दुनिया की सबसे छोटी कृतियां बनाने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने 2.2 mm नाप की चाय की केटली, सबसे छोटा हवाई जहाज और सुई के छेद में से निकल सके ऐसी पतंगे भी बनाई हैं। हाल ही में उन्होंने सबसे छोटी मुहर बनाई है जिसकी ऊंचाई महज 2 mm बताई गई है। उन्होंने सबसे छोटी किताब भी बनाई है जो धार्मिक एकता का परिचय देती है। उनकी ये कृतियां इतनी छोटी हैं कि बिना लेंस के देखना संभव नहीं, अगर कोशिश करें तो आंखें धुंधला जाएंगी लेकिन कृतियां नजर नहीं आएंगी। आश्चर्य में डालने वाली इन कृतियों के लिए इकबाल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिले हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ सक्का बताते हैं कि वह अब तक 22 ऐसी कृतियां बना चुके हैं जो दुनिया की सबसे छोटी वस्तुएं हैं। अभी गिनीज में अभी एक मोहर बनाई है हमने, जो अमेरिका के एक रिकॉर्ड है उसको हमने, मोहर का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। कला की बारीकियों के माध्यम से दुनिया भर में नाम कमा चुके इस कलाकार को कभी कोई सरकारी मदद नहीं मिली। उनकी इच्छा है कि उनके द्वारा बनाई गई इन कृतियों का एक संग्रहालय बने।